जी ये आपको बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे, अब ये जो है इनको जो है बहुत सी शिकायत है कि यहाँ पे इनके घर के पास जो है कोई पार्क नहीं है, कोई प्ले एरिया नहीं है, जो कि रोड पे खेलते हैं और जो है यहाँ से गाड़ियाँ भी आती जाती हैं और एक्सीडेंट का खतरा रहता है और खौफ रहता है। तो ऐसे माहौल में किस तरह से इंजॉय करके बच्चे खेल सकते हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? नाम ये बोलेगी पहले। अच्छा ये बोलेगी। मेरा नाम सुमैया है और मुझे ये शिकायत है कि हम लोग हर रोज फुटपाथ पे खेलते रहते, तो हम लोग जब भी क्रिकेट खेलते तो हम लोगों को अक्सर हम लोगों को गेम खराब करके हम लोगों को साइड पे जाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि इंतजार को हम हमारे लिए कोई पार्क बनाना चाहते हैं। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा है और मुझे यहाँ से एक ये शिकायत है कि बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और मेरे पास से ये शिकायत है कि जो है इधर कोई पार्क होना चाहिए हम लोग के खेलने के लिए, कि हम लोग सुकून से रह के खेल सकें। जी आपको क्या शिकायत है? मुझे ये शिकायत है, मेरा नाम याहिया है, मुझे भी एक जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से साइकिल चला सकूँ। ओके जी। सर को मेरा नाम जैनब है और मुझे एक शिकायत है कि हमारे घर के पास कोई पार्क नहीं होता, इसलिए जल अगर हो सके तो कहीं पे पार्क बना दें। पार्क तो है बहुत सारे, तो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं हम लोग? इतने दूर पार्क है, हम जा ही नहीं सकते। जा ही नहीं सकते? अच्छा तो यानी कि आपको घर के करीब में जो है बिल्कुल करीब में हो, जो इजीली आप लोग जा सकें और सेफ्टली जो है वहाँ पर जो है खेल सकें। और कुछ कहना चाहेंगे? और इधर बहुत ज़्यादा मतलब रास्ते भी हैं जिधर हम लोग खेल सकते हैं, उस दिन भी हम लोग खेले थे। हम लोगों को इधर जैसे ट्रैक्स भी बने हुए पर गाड़ियाँ आती हैं तो खड़ी हो जाती है, तो हम लोग फिर भी नहीं खेल पा सकते। आप देख सकते ये पूरा इधर सरफेस होता है फिर भी हम लोग खेल पाते। अच्छा रोड छोटा है? बहुत छोटा। अच्छा तो जो है प्ले ग्राउंड जो है या पार्क जो है बिल्कुल घर के करीब होना चाहिए, ये शिकायत है आपकी। ठीक है ओके, थैंक यू आप सबका। मैं हूँ सपने मेहमान, WMC न्यूज़ कराची।